بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है, और बेशुमार दरूद सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम सामीन, यूँ तो अल्लाह ने जिस कलाम को नाजिल किया क़ुरान मजीद की शक्ल में, ये पूरा के पूरा जामईयत, फसाहत और बलागत से भरा हुआ है। अलबत्ता मक्की ज़िंदगी में नाज़िल होने वाली मुख्तसर सूरतें जो चंद आयात के पर मुश्तमिल होती हैं, ये जामईयत और फसाहत और बलागत का आला तरीन शाहकार हैं। हम जब इनके तर्जुमे को पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ महसूस नहीं होती है, लेकिन अहले ज़बान समझते हैं कि इनके अंदर अल्लाह ने क्या बातें रखी हैं, या हम अपनी ज़बान में जैसा के कहते हैं कि दरिया को कोज़े में समेट दिया गया है, पूरे समुंदर को कोज़े में समेट दिया गया है। ये सूरतों की मिसाल है और उन्हीं में से एक सूरे कौसर है, तीन आयात के पर मुश्तमिल। इस सूरह के नाजिल होने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे काबतुल्ला के पर्दे के पर लिखकर लटका दिया था, काबतुल्ला पर। एक अहले अरब आता है, बार बार इस सूरह को पढ़ता है और इस सूरह को पढ़ने के बाद एक तबसरा करके जाता है, मा हादा कौलुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, यानि किसी इंसान के अंदर इतनी सलाहियत है ही नहीं कि वो इतना शानदार कलाम पेश कर सके। यकीनन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा कलाम है। मैं इसी सूरह की मुख्तसर सी तफसीर उसके फ़वाद के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसा कि ऐलानात के ज़रिए आपको पता भी है, ये दरअसल दत्तूर साले बिन अब्दुल अजीज़ बिन उस्मान सिंधी, जो कि जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के उस्ताद हैं, उन्होंने एक मुख्तसर सा रिसाला लिखा है, फवाइद मिन सूरतिल कौसर, सूरह कौसर के कुछ फवाइद। मैं उन्हीं चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अरबी ज़बान के अंदर है और उसी की उर्दू के अंदर जो तफसीर है, वजाहत है, वो आपके सामने पेश की जा रही है। इन्होंने सबसे पहले जो चीज़ बयान की है वो है इस सूरह का अंदाज़। अल्लाह ने सूरह के अंदर क्या कहा इब्तिदा में, इन्ना, इन्ना का मतलब हम, और जब किसी अजीम शान बात का तस्करा होता है तो कुरान मजीद इसी अंदाज़ को इख्तियार करता है। कुरान मजीद को जब नाजिल किया गया तो उसके बारे में भी अल्लाह ने क्या कहा, इन्ना अनज़लनाहु, हमने इसको नाजिल किया है। और जब कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में तज़किरा था तब भी अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि हम इस ज़िक्र को नाजिल करने वाले हैं और इसके मुहाफिज़ भी हम ही हैं। यानि जहाँ पर भी किसी बहुत अहम बात का तज़किरा है तो वहाँ कुरान मजीद कहता है इन्ना, हमने नाजिल किया है। ये उस कलाम की अहमियत और उसकी शान को बयान करने के लिए होता है। तो यहाँ अल्लाह ने कहा इन्ना आतोइना कल कौसर, यकीनन हमने आपको कौसर अता किया है। अब ये कौसर का मतलब क्या होता है? कौसर इसका मतलब होता है अल खैरुल कसीर अल्लज़ी उतियाहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के बहुत सारी भलाइयाँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गईं, ये कौसर के अंदर शामिल है। अभी कितनी फजीलतें उसका चंद का तस्करा
साहिब किताब ने यहाँ पर किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी फजीलतें और कितना खैर अता किया गया है, कसीर तदाद में उनमें से चंद का तस्करा यहाँ पर किया गया। सबसे पहले ये बयान करते हैं कि अल्लाह ने आपके सीने को खोल दिया, अल्लाह ने इस कलाम के लिए आपके सीने को खोल दिया। ये बहुत बड़ी बात है अल्लाह के कलाम को अपने सीने में महफूज रखना। जो हुफाज है तो सिर्फ उसकी आयतों को हिफ्ज करते हैं, माना और मफाहिम की बात जुदा है। कितनी मेहनत और मशक्क़त के बाद उसको याद करना, याद करने के बाद उसकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी है। तो ये बहुत बड़ा फरीज़ा है और अल्लाह जिनके सीनों को खोल देता है यकीनन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका तज़किरा यहाँ किया जा रहा है कि अल्लाह ने आपके सीने को कुरान मजीद के लिए खोल दिया है और आपके ज़िक्र को बुलंद किया। जहाँ पर भी अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है। दुनिया में शायद कोई लम्हा ऐसा होता हो कि जब अज़ान ना दी जाती हो, और जब भी अज़ान दी जाएगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, वहीं इस बात का भी तज़किरा होता है कि वाशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो ये हर जगह पर अल्लाह तबारक व तआला के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जोड़ दिया गया है। कितनी फजीलत की बात है ये कि जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। हर जगह के पर कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह साथ में जुड़ा हुआ है। ये उसके आगे साहिब किताब बयान करते हैं कि अल्लाह ने आपको मखलूक में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म बनाया, हालांकि आप उम्मी थे। उम्मी का मतलब होता है अनपढ़, जाहिल नहीं, यानी किसी चीज़ को आप पढ़ नहीं पाते। सुलह हुदैबिया के मौके पर भी जब आपके नाम के साथ रसूलुल्लाह लिखा हुआ था उसे मिटाने का मसला आया, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला ने उस ख़त को लिखा था तो मुशिकीन ने एतराज़ किया, सुहैल बिन अमर वगैरह ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताओ मैं मिटा देता हूँ। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह को मिटाऊँ, ये नहीं हो सकता। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताओ किस जगह के पर लिखा हुआ है, मैं मिटा देता हूँ। जब आप पढ़ नहीं पाते थे इसीलिए आपने हज़रत अली से पूछा लिखा कहाँ है, जब बताया तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हाथों से मिटा दिया। तो आप पढ़ना नहीं जानते थे, उम्मी थे, लेकिन इल्म सबसे ज़्यादा था। पढ़ना एक अलग चीज़ है, इल्म अलग चीज़ है। इल्म जानकारी का नाम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना इल्म था किसी को उतना इल्म नहीं हो सकता, इसलिए कि आपका इल्म अल्लाह की ज़ात के बारे में था और आपका इल्म दीन के बारे में था, आपका इल्म आखरत के बारे में था। और सबसे बढ़कर बात यह है आपके इल्म की कुरान मजीद और अहादीस में जो चीज़ें बयान की गई उसी के साथ साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों से जन्नत और जहन्नम का मुशाहदा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिर्मिज़ी की रिवायत ख्वाब की हालत में अल्लाह तबारक व तआला को उसकी हसीन तरीन शक्ल में देखा है। इससे बड़ा आलिम कौन हो सकता है जिसने अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देखा, जिसने जन्नत का मुशाहदा किया, जिसने जहन्नम को अपनी आंखों से देखा, जो आसमान की बुलंदियों तक गया और वहां तक जहां फरिश्तों की रसाई नहीं वहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ थे और जब सिदरतुल मुंतहा उस दरख्त के पास, सिदरा अरबी जबान में बैरी के दरख्त को कहा जाता है, मुंतहा लास्ट यानी अब उसके आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसके आगे हम नहीं जा सकते, फरिश्तों के सरदार हैं, खुद नबी को आसमान तक लेकर गए थे लेकिन कह रहे कि मैं इसके आगे नहीं जा सकता। जब हजरत जिब्राइल नहीं जा सकते तो कोई और फरिश्ता कहाँ जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे गए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी फजीलत है। और दूसरी बात वो अशद्दुहुम लहू खशिया, आप अल्लाह का सबसे ज़्यादा खौफ और डर अपने दिल में रखते थे, अल्लाह से
जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते थे, जितना तकवा अल्लाह का था किसी को नहीं था। जितना यहाँ पर बात याद रखिए, जो अल्लाह को जितना जानेगा उतना बड़ा मुत्तकी बनेगा। इसीलिए कुरान मजीद ने क्या बयान किया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह को जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह के बारे में जितना इल्म होगा उतना ज़्यादा बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ समाएगा, और जितना इल्म कम होगा इसका मतलब यह है कि उतना ज़्यादा वो अल्लाह से कम डरने वाला और उसके दिल में उतना कम खौफ होगा। तो जितना ज़्यादा इल्म होगा अल्लाह की खशियत अल्लाह का डर दिलों में उतना ज़्यादा आएगा। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना अअलमुकुम बिल्लाह व अशद्दुकुम लहू खशिया, कि मैं तुम लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह को जानने वाला, अल्लाह के बारे में इल्म रखने वाला और तुम लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला बंदा हूँ। आगे बयान करते हैं कि अल्लाह ने आपको सवाब के एतबार से सबसे ज़्यादा फजीलत रख दी, सबसे ज़्यादा फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई है। कैसे? इसलिए कि जो भी उम्मत मुहम्मदिया के अंदर अमल करेगा वो किस बुनियाद के पर अमल कर रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने की वजह से। जब वो आपके बताने की वजह से अमल करेगा, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मुस्लिम की रिवायत, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फाइलिह, कि जो किसी को किसी नेक काम की तरफ रहनुमाई करता है तो उसे उतना ही सवाब मिलता है जितना करने वाले को मिलता है। अब दुनिया आखरत की जितनी भलाइयां थीं सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सारी भलाइयों को बयान किया, उसके पर खुद अमल किया, असहाबे किराम ने अमल किया, उम्मत तक पहुंचाया, अब कयामत तक जितने लोग उन अहादीस के पर उन फरामीन पर अमल करेंगे तो जितना सवाब कयामत तक के करने वाले लोगों को मिलेगा उतना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा। इसलिए कि कानून है, बताने वाले को उतना ही सवाब मिलेगा जितना करने वाले को मिलता है। तो ये अल्लाह के रसूल की बहुत बड़ी फजीलत कि जितने उम्मती आपके हैं उन लोगों को जितना सवाब मिलेगा उतना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सवाब मिलेगा। बताइए कितनी फजीलत, कितना अजर है जिसका हम शुमार नहीं कर सकते। आगे एक और फजीलत बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अक्सरुल अंबिया ताबिअन, आपकी उम्मत सबसे ज़्यादा है तमाम अंबिया में, तमाम रसूलों में सबसे ज़्यादा मानने वाले, ईमान लाने वाले, ताबेदारी करने वाले, आपकी पैरवी करने वाले हैं। इतनी बड़ी तादाद किसी और नबी को नसीब नहीं हुई, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत। जितनी तादाद बढ़ेगी लाजमी बात है कि उतने लोग अमल करने वाले, ईमान वाले होंगे और उतना सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे आमाल के अंदर शामिल किया जाएगा। अल्लाह ने कयामत के दिन आपको हम्द का लिवा उल हम्द, हम्द तारीफ का झंडा आपको देगा, आपको मकाम महमूद अता करेगा जो कि शफात उज़्मा होगी। आपकी शफात के बगैर ना लोगों का हिसाब व किताब होगा, ना कोई जन्नत में दाखिल होगा, ना जहन्नम में अहले ईमान जो कि शिर्क से महफूज थे उन लोगों को वहां से बाहर निकाला जाएगा। हर चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के पर ही मुनहसिर है, बगैर आपकी शफात के कुछ भी नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ी फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आगे एक और फजीलत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज अता किया जाएगा, फी अरसातिल क़ियामा, क़यामत के मैदान में, क़यामत के दिन जो मैदान महशर होगा, क़यामत के दिन उस मरहले में एक हौज होगा जिसके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दद अहादीस के अंदर है। आगे एक वजाहत और भी आएगी, हौज और कौसर दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम आम तौर से क्या कहते हैं हौज कौसर, आगे उसकी वजाहत साहिब किताब ने की है। ये कहते हैं वहुवा हौज़ुन हौज़ु माइन अज़ीम, बहुत बड़े पानी वाला हौज है जिसकी लंबाई एक महीने के बराबर और चौड़ाई एक महीने के बराबर। ये अरबी जबान में जब किसी चीज़ की कसरत या किसी की दूरी बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहने का मतलब यह है कि वो इंतहाई बड़ा हौज होगा और उसके पानी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि वो पानी शहद से ज़्यादा मीठा होगा और
اولے سے زیادہ سفید ہوگا، یعنی پینے میں بھی انتہائی لذیذ اور دیکھنے میں بھی انتہائی پیارا، انتہائی خوشنما۔ اس میں جو پیالے ہوں گے اس کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی، یعنی بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ من شرب منہ شربتن لم یذب بعدہا ابدا، جو ایک مرتبہ اس حوض کے پانی کو پیے گا تو کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اور نہ کبھی اس کے چہرے کے پر سیاہی کالا پن آئے گا، یعنی وہ اندرونی طور پر ہماری پیاس بجھائے گا، ظاہری طور پر ہمارے حسن کو باقی رکھے گا۔ یہ حوض ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن میدان محشر میں عطا کیا جائے گا۔ ایک اور فضیلت آگے بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن پل سراط، جو انتہائی سخت ترین مرحلہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تین مرحلے پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ پہلا مرحلہ، جب قیامت کے دن لوگوں کو ان کے نام اعمال کو تقسیم کیا جائے گا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، وہ پریشان ہوگا، اور اس مرحلے پر نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ دوسرے مرحلے، جب نامۂ اعمال کو وزن کیا جائے گا تو وہاں پر بھی کوئی کسی کے بارے میں پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور تیسرا مرحلہ یہی ہے پل صراط کا، اس لیے کہ وہ جہنم کے اوپر ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، انسان صرف الفاظ کو سننے کے بعد روح کانپ جاتی ہے، ڈر جاتا ہے، اسے پار کرنا ہے، جو کہ جہنم کے اوپر بنایا جائے گا۔ ہر کوئی اپنے ایمان اور اپنے تقویٰ کی بنیاد کے پر اس رفتار کے ساتھ وہاں سے جائے گا۔ کچھ ہوں گے جو پلک کے جھپکتے ہوئے اسے پاس پار کر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار سے، کچھ اونٹ کی رفتار سے، کوئی دوڑتے ہوئے، کوئی پیدل، بہرحال اس کو کراس کر لے جائے گا اپنے ایمان کی بنیاد پر۔ اور جو اہل ایمان نہیں ہوں گے وہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، جس میں آنکڑے لگے ہوئے ہیں وہ آنکڑے ان جہنمیوں کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، کچھ گھسٹتے ہوئے سرینوں کے بل اسے پار کریں گے۔ سوچئے کہ جہنم نیچے ہوگی، اگر ہم 10 فٹ کا ایک گڑھا بنا دے اس کے پر اتنا باریک مت رکھیے گا، صرف ایک بانس رکھ دے اور کہے کہ اس کو پار کر کے دکھاؤ، کون اسے پار کرے گا؟ اور اگر ایک کنویں کے پر راستہ ہی بنا دے کہ ٹھیک ہے یہ 10 فٹ کا کنواں ہے آپ اس کو پار کر کے جائیے، انسان صرف کنویں کی گہرائی کو دیکھ کر ہیبت ناک ہو جائے گا، ڈر جائے گا، وہ تو جہنم ہے، دہکتی ہوئی آگ، پتہ ہے کہ وہ کتنی شدید، کتنی خطرناک ہے۔ تو یہ تیسرا مرحلہ بڑا سخت ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ آپ کی امت سب سے پہلے پل صراط کو پار کرے گی۔ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے بعد میں ہیں، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں۔ پل صراط کو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم پار کریں گے، اور جنت کے اندر سب سے پہلے آپ کی امت ہی داخل ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، امت کی فضیلت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اس لیے کہ آپ ہی کی امت ہے، آپ کے کہے کے مطابق چلی تبھی اللہ نے ان کو جنت میں داخلہ دیا، سب سے پہلے جنت میں ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے کے اندر حدیث منقول ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی فضیلت کے اندر بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر عمیم، یعنی عمومی خیر عطا کیا گیا ہے، اور یہاں کوثر کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہو النار العظیم الذی اعطیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، کہ یہ ایک نہر ہے، یہ ایک نہر ہے جو کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ جو حوض ہوگا وہ الگ ہے، نہر جنت کے اندر ہوگی کوثر نام کی وہ الگ ہے، اور آگے وضاحت بھی آ رہی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خود بیان کر دیا، اور بخاری مسلم دونوں کی روایت میں خود ان نہ آتی ناقل کوثر کی تفسیر کے اندر ہے کہ ہوا نہر عظیم فی الجنہ، کہ یہ جنت میں ایک عظیم الشان نہر ہے، حافتاہ، کہ اسے دونوں کناروں کے اوپر خولدار موتیوں کے خیمے لگے ہوں گے، دونوں کناروں کے اوپر، اس نہر کے دونوں کناروں کے پر خولدار موتیوں کے خیمے لگے ہوں گے،
عام طور سے آپ دیکھیے یہ چیز ہمارے یہاں پر تو نہیں پائی جاتی, لیکن عرب کے علاقوں میں دیکھیے کہ خیمے کا تصور بہت زیادہ ہے. وہ صحرا میں نکل جاتے ہیں, خیمے لگاتے ہیں اور وہیں پر وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں, زندگی کا کچھ حسین لمحہ بتاتے ہیں. تو اللہ نے انہی لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے, فہم کے اعتبار سے, کیونکہ اولین مخاطبین اہل عرب تھے, انہی کی تہذیب انہی کے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ خیمے استعمال کرتے تھے. تو خیمے کیسے ہوں گے؟ خالدار موتیوں کے دونوں کناروں کے پر لگائے جائیں گے اور یہ دونوں کناروں کے پر ہوں گے. تو یہ جنت کے اندر جو نہر ہوگی اسی کو کوثر سے تعبیر کیا گیا ہے. اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ اس کا رنگ اولے سے زیادہ سفید ہوگا اور اس کا مزہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا. اور بخاری کے اندر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر کہ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے, کا عدد النجوم, ستاروں کی تعداد میں ہوں گے, اتنی بڑی تعداد میں اس کے پیالے ہوں گے جس سے لوگ اس سے نوش فرمائیں گے. اب یہاں وہ فرق بیان کر رہے ہیں حوض کا اور کوثر کا. یہاں میں نے کہا کہ عام طور سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں حوض کوثر. اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ دراصل حوض جو ہوگا یہ کوثر سے نکلنے والا پانی ہوگا. جو جنت کے اندر جو نہر ہے جس کو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, نہر عظیم فی الجنہ, جنت کی عظیم الشان نہر کا نام کوثر ہے, اور اسی کوثر سے پانی نکل کر قیامت کے دن میدان محشر میں جمع ہوگا جس حوض کے اندر, اس سے اہل ایمان پانی پئیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پلائیں گے. تو وہ پانی جو ہوگا وہ کوثر سے نکلا ہوا حوض میں آ کر جمع ہوگا. تو حوض جو ہے وہ کوثر نہیں ہے, وہ حوض ہے. اور جو نہر اصل میں جنت کے اندر ہے وہ در اصل کوثر ہے, اور اسی نہر کا نکلا ہوا پانی حوض میں آ کر جمع ہوگا, جو کہ قیامت کے دن اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پلایا جائے گا. تو وہ حوض صرف حوض ہے, وہ حوض کوثر نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوثر سے نکلا ہوا پانی اس حوض کے اندر آ کر جمع ہوگا, جیسا کہ یہاں کا لا کر بیان کیا. اور خود یہاں پر انہوں نے روایت نکل کر بیان کیا ہے کہ دو پرنانے نکلیں گے نہر میں, جنت کے اندر بہنے والی اس نہر سے میزابان دو پرنانے نکلیں گے جو اس حوض کے اندر آ کر پانی کو لا کر جمع کریں گے. اور یہی حوض ہے اور یہ کوثر ہے جس کی تفصیل یہاں پر بیان کر دی ہے. اب آگے یہ جو بیان کر رہے ہیں اگلی آیت, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے. یہاں دو عظیم عبادتوں کا تذکرہ ہے, ایک ہے نماز اور دوسرے ہے قربانی. نماز بدنی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادت ہے. قرآن نے دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے, قرآن نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں, کوثر کا مطلب ہوتا ہے الخیر الکثیر, بہت ساری بھلائیاں. جب اللہ نے آپ کو دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں عطا کی ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے بطور شکرانے کے کہ اللہ نے اتنی عظیم نعمت سے ہم کو نوازا ہے؟ عبادت کرنا ہے بطور شکرانے کے کہ اللہ نے ہم کو اتنا نوازا جتنے کہ ہم مستحق نہیں تھے, اللہ نے اس سے کہیں زیادہ ہم کو عطا کیا. اس کے لیے دو عظیم عبادتوں کا تذکرہ, ایک بدنی عبادت جو کہ نماز ہے اور دوسرے مالی عبادت جو کہ قربانی ہے. نہر عربی زبان میں اونٹ کو نہر جو کیا جاتا ہے اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یعنی خاص یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے, اور ذبح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے باقی تمام جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے. تو نہر صرف اونٹ کے لیے خاص ہے اور ذبح یہ تمام جانوروں کے لیے, پرندوں کے لیے, ہر کسی کے لیے عام ہے. تو یہاں خاص طور سے اللہ نے نہر کا تذکرہ کیا یعنی اونٹ کا. یہ بڑی قربانی ہے جبکہ اس کے علاوہ دیگر جانور جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں. تو جو سب سے بڑی قربانی ہے اس کو دینا ہے, اس کے جلوں میں تمام قربانیاں شامل ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے جب اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے تو بطور شکر کے عبادت کی جائے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم سوجن آ جاتی,
सहाबा कहते भी कि अल्लाह के रसूल, आपको इतनी इबादत की ज़रूरत क्या है जबकि आपके अगले पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ने बख्श दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते, बुखारी की जो रिवायत में है, अफला अकून अब्दन शकूरा, कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ, जब अल्लाह ने मुझको इतना नवाजा है तो मेरा भी हक बनता है कि मैं अल्लाह की इबादत करूँ, शुक्रगुजारी अदा करूँ। इंसान अपनी ज़िंदगी में इस नाहिये से गौर करे, अल्लाह ने हमको कितना नवाजा है, नवाजिशों के पर, अल्लाह की अता के पर नज़र होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो हम शिकवे करेंगे, शिकायतें करेंगे। अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लग जाए तो यकीनन इतनी नेमतों से अल्लाह ने हमको नवाजा है कि हम शुक्र अदा करते रहें, शुक्र कम पड़ जाएगा, लेकिन नेमतों का हक नहीं अदा हो सकता। तो ये बात याद रखिए, शिकवे शिकायत इन चीज़ों से हटकर शुक्राने का रास्ता इख्तियार कीजिए। अल्लाह ने जिसके बारे में कहा, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो जितना मैंने अता किया है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें नवाजूंगा। अब अल्लाह ने जब ये कहा कि बस अपने रब के लिए नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी कीजिए, ऊँट को नहर कीजिए, तो ये कहते हैं ये इस बात की जानिब इशारा है कि अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी की जाए, उसकी इताअत और फरमाबरदारी करके जो अल्लाह ने हमको इतनी नेमतों से नवाजा है। और ख़ुद अल्लाह ने आले दाऊद को भी कहा था, इअमलु आले दाऊद शुक्रा, अए आले दाऊद अपने अमल के ज़रिए अल्लाह का शुक्र अदा करो, नमाज पढ़कर, सदक़ात व खैरात के ज़रिए, ज़कात के ज़रिए, माली इबादतों के ज़रिए। अब आप ख़ुद गौर कीजिए कि अल्लाह ने हमको ये जो नेमतें अता की है, ख़ास तौर से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसके बारे में यहाँ पर तज़किरा किया कि आप अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए और इबादत कीजिए, तो दो अजीम इबादतों का यहाँ अल्लाह ने तज़किरा किया। अब यहाँ जो चीज़ बयान कर रहे हैं, कुरान ने यह कहा लिरब्बिक, अपने रब के लिए, ये इस बात की दलील है कि नमाज या कोई भी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, जिसे हम इखलास से ताबीर करते हैं। अगर इखलास नहीं है तो हमारी ज़िंदगी का कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा सिर्फ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, सिर्फ कुर्बानी करने के लिए नहीं कहा, बल्कि ये कहा लिरब्बिक, अपने रब के लिए। तो ये बहुत अहम चीज़ है, नियतों में जब तक इखलास नहीं होगा हमारा कोई अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होगा। चाहे हम 40, 50, 60 साल तक इबादत करते रहें, तहज्जुद पढ़ते रहें, हर साल रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखें, कुर्बानी अदा करें, कोई फ़ायदा नहीं है अगर नियतों में इखलास नहीं है। ये बुनियाद है हर चीज़ की। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह ने यह कहा फसल ले ले रब्बी, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, ला ली गई रही अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं। चुनांच इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है और उसे किसी गैर की तरफ नहीं फेरा जा सकता। बस जिसने गैरुल्लाह के लिए दुआ की, यानी किसी अल्लाह के अलावा किसी गैर को पुकारा, उससे दुआ मांगी, या किसी गैरुल्लाह के लिए कुर्बानी की, या किसी गैरुल्लाह के लिए नजर मानी, तो ये दरअसल अल्लाह की इबादत में शिर्क होगा। अल्लाह ने सिर्फ उसकी इबादत के लिए पैदा किया है, शिर्क से बचने का हुक्म दिया है। अभी आगे जो चीज़ बयान कर रहे हैं शिर्कों की कबाहत में बहुत अहम है। पहली चीज़ ये बयान कर रहे हैं कि ज़मीन के पर सबसे बड़ा जुर्म शिर्क है, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, उसकी इबादत में, उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में। चुनांच अल्लाह ने सिर्फ शिर्क के बारे में ये कहा है इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिह, अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा, वाज़े बयान कर दिया गया। शिर्क के बारे में अल्लाह ने यह भी बयान किया कि युहबितु जमीअल आमाल, ये तमाम आमाल को बर्बाद कर देता है, ज़ाय कर देता है। और उसके बाद सूरह अनाम की आयत नंबर 88 का तस्करा भी किया। सूरह अनाम की जो आयत है वलौ अशरकू लहबिता अनहुम मा कानू यअमलून, कि अगर इन्होंने भी शिर्क किया, किन्होंने, कुरान ने 18 अंबियाए किराम का तस्करा किया, हज़रत इब्राहिम, हज़रत इसहाक, हज़रत इस्माइल वगैरह का, उसका तस्करा करने के बाद कहा कि वलौ अशरकू, अगर बिलफर्ज ये नबी भी, अंबिया और रसूल भी शिर्क करते तो इनके सारे आमाल को ज़ाय कर दिया जाता।
सोचिए कि जब अंबिया को इस मामले में नहीं बख्शा जाएगा, उनके आमाल ज़ाय हो जाएंगे, तो फिर उम्मतियों की क्या क्या बिसात रह जाती है। और उसके बाद आगे इन्होंने बयान किया कि शिर्क और उसका करने वाला दरअसल जन्नत में दाखिले से महरूम हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सूरह मायदा आयत नंबर 72 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हरमल्लाहु अलैहिल जन्ना, कि यकीनन जिसने भी शिर्क किया अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम करार दिया है। ये शिर्क की कबाहतें हैं, इसलिए नमाज हो या कोई भी इबादत वो सिर्फ अल्लाह के लिए कीजिए, उसे किसी भी गैर अल्लाह की तरफ मत मोड़िएगा। यहाँ नमाज की एक बहुत अहम बात और ख़ास फजीलत का इन्होंने तस्किरा किया कि अस्सलात इबादा फीहा ताअब्बुदुन लिल्लाह बिजमीउल जवारिह, नमाज ऐसी इबादत है जिसमें तमाम आज़ा से अल्लाह की इबादत की जाती है, तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं। अगर आप किसी को सदका कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, तो सिर्फ आपका माल जा रहा है, या कोई और इबादत कर रहे हैं, जबकि नमाज में कितनी चीज़ें शामिल होती हैं ये बयान कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है दिल, इसलिए कि नमाज के बारे में साफ कह दिया गया कि नमाज मुकम्मल खुशू और खुजू के साथ, यानी अल्लाह की तरफ मुकम्मल तवज्जो और ध्यान देकर अदा करना है, दिल मुकम्मल तरीके से अल्लाह की तरफ लगा हुआ रहना चाहिए, ये दिल की इबादत हो गई। उसके बाद ज़बान अल्लाह की इबादत करती है, हम सूरे पढ़ते हैं, सूरे फातिहा है, कुरान मजीद की देकर सूरत है, उसके अलावा तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम के फेरते वक्त ज़बान कोई वक्त खामोश नहीं रहती है। आप खड़े हैं, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, रुकू में जाते हैं तस्बीह पढ़ रहे हैं, रुकू से उठने के बाद दुआ पढ़ रहे हैं, सजदे में जाने के बाद दुआ है, तशहुद में दुआ है, कोई मरहला आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर आपकी ज़बान अल्लाह के जिक्र से रुकी भी हो। उसके बाद चेहरा भी अल्लाह की तरफ है, किबले की तरफ यानी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, चेहरा भी अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है। एहसान के बारे में बयान किया, अंताबुद अल्लाह का अन्न का तरा, इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। नमाज में अपना चेहरा किबले से हटाना नहीं है, ना ऊपर कर सकते हैं, ना इतना नीचे के सज्जा गाह से हमारी नज़र हट जाए, ना दाएं ना बाएं ना आगे पीछे, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की तरफ लगा हुआ हो। चेहरा इबादत करता है, दोनों घुटने इबादत करते हैं, रुकू में जाने के वक्त आप अपने घुटनों को मजबूती के साथ पकड़े होते हैं, दोनों हाथ ये इबादत में लगे होते हैं, दोनों कदम जिसके पर हम खड़े होते हैं पैर वो अल्लाह की इबादत में लगे थे, गोया के पूरे आज़ा और जवारे अल्लाह की इबादत में लगे होते हैं। दिल है, दिमाग है, चेहरा है, जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, ये नमाज की खासियत है। आगे इन्होंने नमाज के ताल्लुक से बहुत सारी अहम बातों का तस्किरा किया, ख़ास तौर से नमाज के बारे में कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के नज़दीक इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफर, अगर किसी ने एक नमाज को जानबूझकर तर्क कर दिया बगैर किसी उज्र के, उज्र का मतलब यह है कि आप मुसाफिर हैं, आपको मौका नहीं मिला, मस्जिद नहीं मिली, सफ़र में आपको इजाज़त है कि जहर असर एक वक्त में, और वो भी कि जहर के वक्त हो दोनों नमाज़ें पढ़ सकते हैं, या असर के वक्त हो जहर असर पढ़ सकते हैं, मगरिब के वक्त आप मगरिब ऐशा पढ़ सकते हैं, ये इजाज़तें हैं। उज़्र का मतलब ये है कि आप बीमार हैं, आप मस्जिद में नहीं आ सकते, सो गए हैं, ये भी उज़्र है, आप जैसे बेदार हो नमाज अदा कीजिएगा, तो नमाज छूटना नहीं चाहिए। अगर किसी उज़्र की बुनियाद के पर नमाज छूटती है तो फिर उसे फौरी तौर के पर जैसे ही याद आए अदा कर लेना चाहिए। तो अगर किसी ने एक नमाज को भी तर्क किया तो ये कुफ्र है। हाँ, ये कुफ्र इसकी बुनियाद के पर इस्लाम के बाहर वो काफ़ी तो नहीं हो जाता, यानी जिस तरह एक गैर मुस्लिम बनता है, लेकिन ये कुफ्र बहरहाल अल्लाह की इबादत के साथ कुफ्र है, इसलिए इस बारे में चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर इन्होंने तस्करा भी किया कि मशहूर ताबेई अब्दुल्ला बिन शकीक ये बयान फरमाते हैं कि लम यकुन असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरौन शैयम मिन अल आमाल तर्कु कुफ्रुन इल्ला सला, कि असहाबे किराम में कोई ऐसा नहीं था, हर कोई इस बात के पर मुत्तफिक था कि नमाज का छोड़ देना ये कुफ्र है। तो ये नमाज की अहमियत है जो यहाँ पर इन्होंने बयान की है।
और आगे ये बयान करते हैं कि नमाज इसकी फजीलत और अहमियत जब हमें मालूम हो गई तो साथ ही साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि नमाज को अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक अदा करना चाहिए। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसा कि तुमने मुझे देखा है। अरबी जबान में दो लफ्ज़ होता है देखने के माना में, ये रुयत जो है ये भी देखना है और नज़र ये भी देखना है। अरबी जबान में जब लफ्ज़ नज़र इस्तेमाल किया जाता है वजूहुयौमैदिन नादिरा इला रब्बिहा नादिरा, के क़यामत के दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे, फ्रेश होंगे, चेहरा देखने के बाद लगेगा कितने खुश हैं और वो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, तो वहाँ नज़र अल्लाह की तरफ जो है ये डायरेक्ट अल्लाह को देखने के माना में है। तो नज़र का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अपनी नज़रों से किसी चीज़ को देखना, और रोयत का माना होता है कि अगर किसी ने बता भी दिया, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सर की आँखों से देखें, अगर किसी ने पुख्ता ज़राए से आपको कोई बात बता दी और आपने उसको मान लिया, यकीन कर लिया, ये भी रोयत है। इसीलिए रोयत हिलाल कहा जाता है, यानी चांद को देखने की खबर। अगर दो लोग देख लेते हैं, वो आकर बयान करते हैं कि चांद देखा है, रोयत हो गई, सबको मालूम हो गया कि चांद देख लिया गया है, तो यहाँ आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया जैसा कि तुमने मुझको देखा। आपने क्या कहा, राई तुमूनी, नज़र तुमूनी नहीं बयान किया कि जैसा कि तुमने मुझे अपनी निगाहों से देखा, इसलिए कि सिर्फ सहाबा ने देखा था, सहाबा के अलावा किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए अपनी निगाहों से नहीं देखा। तो आपने जो बयान किया है, यानी जो चीज़ तुम्हें पुख्ता ज़राए से सही अहदीस से मालूम हो जाए उसके मुताबिक तुम्हें अमल करना है, वैसी ही नमाज पढ़ना है जो मेरे सहाबा ने तुम लोगों तक देख कर पहुँचाई है, तो ये नमाज है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का यहाँ इन्होंने तस्करा भी किया कि अगर नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं अदा की गई, यहाँ एक बहुत अहम हदीस का तस्करा किया है कि हजरत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला ने एक शख्स को देखा जो नमाज अदा कर रहा था, लेकिन नमाज वैसे नहीं पढ़ रहा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, रुकू सही तरीके से नहीं, सजदा सही तरीके से नहीं। हम भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग, अगर नमाज के बारे में तस्करा कर दिया जाए और इसके बारे में कुछ गुफ्तगु की जाए तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं और उसकी तफसील का मौका नहीं, यहाँ तक कि हम रफुल यदैन में भी कोताहियाँ करते हैं। सहाबा जिन्होंने इतनी बारीक बीनी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखा, आप कैसे उंगली उठाते थे, रफुल यदैन के वक्त आपकी उंगलियाँ कहाँ तक जाती, कान की लौ तक, कांधे तक, हाथ की उंगलियाँ खुली होती थी, फैली हुई थी, जुड़ी होती थी, एक एक चीज़ का उन्होंने मुशाहदा किया। इतनी बारीक बीनी के साथ उन्होंने नबी की सुन्नत और नमाज को बयान किया, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इन सारी तफासिल को देखें और उसी तरह पढ़ने की कोशिश करें। हमारा रफुल यदैन, हमारी नीयत, हमारी नजरें, हमारा रुकू, सजदा, तशहुद, ये सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। इसीलिए कहा कि कमा रअयतुमुनी उसल्ली, वैसे ही पढ़ना है जैसा कि तुमने मुझको देखा है। तो उन्होंने उससे कहा कि कब से नमाज पढ़ रहे हो, तो वो क्या कहने लगा, मुंज़ अरबईन सना, ये नमाज जो मैंने पढ़ी है 40 सालों से मैं ऐसी नमाज पढ़ रहा हूं। तो उन्होंने क्या कहा, वो शख्स जो नमाज अदा कर रहा था तो कहने लगा मुंज़ अरबईन सना, 40 सालों से मैं नमाज पढ़ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है। और दूसरी रिवायत के अंदर, खुद बुखारी के अंदर है कि जब उस शख्स को देखा, उस रिवायत के अंदर 40 साल का तस्करा नहीं, लेकिन जब उसे देखा कि वह आपकी सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ रहा था, ना रुकू कर रहा है ना सज्दे कर रहा है, तो उन्होंने क्या कहा था कि सुन, अगर तू इसी तरीके के पर मर गया तो तेरी मौत इस्लाम के पर नहीं आएगी, जाहिलियत के पर तेरी मौत आएगी, जहां लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहते थे इबादत करते थे। तो इतना सख्त कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अहमियत को बताने के लिए है कि नमाज में इतना एहतमाम होना चाहिए कि कहीं पर नमाज में आपकी सुन्नत के खिलाफ कोई अमल ना हो। अब यहाँ आगे तस्करा किया कुर्बानी के ताल्लुक से, के
नहर दरअसल ऊँट को ज़बह करने और उसके खून को बहाने को कहा जाता है, और ज़बह का जो तस्करा लफ्ज़ है ये गाय के लिए, बकरियों वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जानवरों की इन कुर्बानी का मकसूद ये होता है कि अल्लाह का क़ुर्ब, अल्लाह की नज़दीकी हासिल की जाए। तो इन चीज़ों को सिर्फ अल्लाह के लिए करना चाहिए। कुरान ने ख़ुद भी कहा इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। यही इखलास है, जो है अल्लाह के लिए होना चाहिए, किसी गैर के लिए नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक बात काबिल गौर है, कुरान ने नमाज जो कि बदनी इबादत है, कुर्बानी जो कि माली इबादत है, दोनों का तस्करा किया। यानि बदनी इबादत भी करना है, माली इबादत भी। बाज़ लोग नमाज के बड़े पाबंद होते हैं, अच्छी तरीके से नमाज अदा करते हैं, लेकिन दिलों में बुख़ल होता है, बुखालत पाई जाती है, कंजूसी पाई जाती है। वो ये समझते हैं कि हम नमाज जब इतनी पढ़ रहे हैं तो देगर सवाब को हासिल करने की ज़रूरत क्या है। कुरान के कहने का मकसद ये कि सिर्फ किसी एक इबादत के पर मुनहसर मत रहो, अल्लाह ने जितनी तौफीक दिया उतनी इबादत करो। बदन के ज़रिए इबादत कर रहे हो नमाज पढ़कर, तो साथ ही साथ माल खर्च करके भी इबादत करना है। सिर्फ अपने बदन के ज़रिए इबादत करके निजात नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें अपना माल भी खर्च करना है। अल्लाह ने अगर साहिब माल बनाया है तो उस माल को अल्लाह की राह में लगाओ। ये नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ लो काफ़ी है, बल्कि नमाज यानि बदनी इबादत के साथ साथ माली इबादत भी होना चाहिए। ये ख़ास पैगाम है जो कुरान मजीद ने यहाँ ला कर दिया है। हाँ, इन चीज़ों को जो कि माली इबादत में आता है, कुर्बानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया कि इसे किसी गैरुल्लाह के लिए नहीं करना चाहिए। साफ कहा लअनल्लाह मन ज़बहा लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह की लानत उस शख्स के पर जो किसी गैरुल्लाह के लिए जानवर को ज़बह करता है, किसी गैरुल्लाह के लिए। दो चीज़ें यहाँ हदीस के अंदर बयान किया गया, किसी गैरुल्लाह के लिए, और कुरान मजीद के अंदर बयान कर दिया गया है वला तअकुलु मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह अलैह, के उन जानवरों का गोश्त मत खाओ जिसे अल्लाह के अलावा के नाम पर ज़बह किया गया। एक है अल्लाह का नाम छोड़ देना, यानि किसी ने किसी पीर वली बुज़ुर्गों के नाम के पर ज़बह कर दिया, ख्वाजा साहब के नाम पर इसको ज़बह कर रहा हूँ अल्लाह के बजाय, ये कहे कि ख्वाजा के नाम पर, ये अल्लाह का नाम छोड़ देना। और दूसरा है आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं, लेकिन मकसद यह है कि आप किसी पीर या वली या बुज़ुर्ग किसी भी गैरुल्लाह के नाम के पर उसे न्याज के तौर पर, नज़र के तौर के पर कुर्बान कर रहे हैं, मकसद है किसी गैरुल्लाह को खुश करना, तो ये भी गैरुल्लाह में शामिल है, जो कि हदीस के अंदर बयान किया गया कि लानत है अल्लाह के उस शख्स के पर जो गैरुल्लाह के लिए जानवर को ज़बह करे, गैरुल्लाह के लिए। यानि वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, लेकिन मकसद होता है किसी पीर वाली बुज़ुर्गों को राज़ी करना, उसके नाम की न्याज निकालना या उसके नाम की नज़र। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, अल्लाह का नाम हो अल्लाह के लिए। अब यहाँ कुर्बानी के अंदर या जानवर को ज़बह करने में दो अहम चीज़ों का तस्करा है। कुरान ने जो चीज़ें बयान की है, साहिब किताब ने बयान किया इसालतुद्दम, खून बहना चाहिए, यानि ज़बह के वक्त खून बहना चाहिए। और दूसरा है ज़िक्र उस्मुल्लाह, अल्लाह का नाम लेना, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया तो भी गलत, या खून नहीं बहा तब भी गलत। जैसा कि हम देखते हैं कि झटके से, करंट का झटका देकर जानवरों को मारा जाता है बहुत सारी जगह के पर, ये कुर्बानी नहीं है और ये ज़बीहा हमारे लिए हलाल नहीं है, इसलिए कि जो शर्त बयान की गई है वो शर्त है इसालतुद्दम, खून का बहाना। खून नहीं बहेगा तो फिर वो हमारे लिए हलाल नहीं होगा। यहाँ ज़िमनन साहिब किताब ने एक और मसले को बयान कर दिया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने घर वालों के लिए जानवर ज़बह करते हैं कि घर वाले खा लेंगे, या अगर मेहमान घर में आया है उसकी तकरीम के लिए कोई बकरा ज़बह करता है, जानवर ज़बह करता है, मुर्ग ज़बह करता है, तो क्या ये भी गैरुल्लाह के लिए ज़बह होगा? नहीं, ये खिलाने के लिए है, ना कि इबादत का मकसूद होता है। यहाँ अगर हम अपने बाल बच्चों के लिए या किसी मेहमान के लिए किसी जानवर को, या तो मुर्गे को, बकरे को ज़बह कर रहे हैं, तो ये गैरुल्लाह के लिए नहीं हुआ,
ये मकसूद तो यह है कि उसके ज़रिए हम अपने मेहमान की तकरीम करेंगे, घर वालों को खिला देंगे। ये इबादत नहीं होती है, ये तकरीम होती है। इसलिए फ़र्क है दोनों के दरमियान। अगर कुछ लोग इस तरीके का एतराज़ करना चाहें तो ये एतराज़ अपनी जगह के पर गलत है, बेमाना है। अब इस सूरह की तीसरी और आखिरी आयत के बारे में साहिब किताब बयान करते हैं कि इन्ना शानी अका हुअल अबतर, यकीनन आपका जो दुश्मन है वो अबतर है। अबतर का मतलब क्या होता है? मक्तू दिक्र, मक्तू नस्ल, यानि उसका जिक्र, उसका तस्करा, उसका नाम निशान बाकी नहीं रहेगा। यहां कुछ तस्वीर है जिसको बयान किया जा रहा है कि बाज़ मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आर दिलाई थी। कब ये आर दिलाई थी? कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम, जो सबसे बड़े बेटे थे और उसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत थी अबुल कासिम, यानि कासिम के बाप, अरब का तरीका था कि जो सबसे पहला बेटा होता था या बेटी तो उसी की तरफ उसकी निस्बत की जाती थी। अबू हनीफा जो कहा जाता है, हनीफा लड़की का नाम है और उनका असल नाम है नोमान बिन साबित, तो उनकी सबसे बड़ी लड़की जो थी हनीफा थी, उसी तरफ उनकी निस्बत है अबू हनीफा यानि हनीफा के बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे कासिम थे, उसी बुनियाद पर आपको अबुल कासिम कहा जाता था, कासिम के बाप। तो उनकी वफ़ात हुई। और दूसरी रवायत में है कि जब आपके बेटे अब्दुल्ला, जिनका लकब तैयब और ताहिर था, उनकी वफ़ात हुई तो मुशिकीन आपको ताना देने लगे, आर दिलाने लगे कि अब जब आपके बेटे ही जिंदा नहीं है, ना कासिम जिंदा है ना अब्दुल्ला जिंदा है, तो आपका नाम निशान बाकी नहीं रहेगा, आपका जिक्र बाकी नहीं रहेगा। कुरान ने उसका जवाब दिया कि हकीकत में तुम्हारा नामो निशान मिटने वाला है। और वही हुआ कि इन लोगों का नामो निशान मिट गया। ये कहने वाले कौन थे? अलग अलग तफसीर है कि ये आस बिन वाइल, ये आस कौन है? हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला के बाप, मुशरिक थे। और बाज़ लोग कहते हैं कि अबू जहल के बारे में नाज़िल हुई, बाज़ कहते हैं कि अबू लहब के बारे में, और बाज़ कहते हैं कि उकबा बिन अबी मुआयत। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम के शदीद तरीन दुश्मनों में शुमार किए जाते हैं। और इन्हें बड़ी खुशी भी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद यानि आपके बेटे जब बाकी नहीं रहेंगे तो आपका जिक्र भी बाकी नहीं रहेगा ना आपका दीन बाकी रहेगा। उन्हें क्या पता था कि मिटने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि ये हैं। आपका जिक्र तो क़यामत तक के लिए, अबदुल आबाद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा और पाइंदा बना दिया है। यहाँ इसी नुमाने ने साहिब किताब ने कुछ अहम बातों का तज़किरा किया है कि ये जो दुश्मनी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपकी लाई हुई शरीयत से, जिसकी बुनियाद के पर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुंचाई, दीन इस्लाम को रुका तकलीफ पहुंचाई और उसकी राह में मुख्तलिफ रुकावटें डालने की कोशिश की, कि उसी के ज़िम्न के अंदर बयान करते हैं वक़द अजमा अल मुस्लिमून अला अन मन अबगद शैअ मिम्मा जाअ बिहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द कफर वलौ अमिल बिह, के जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के किसी भी मामले पर किसी भी हुक्म से बुग्ज़ रखता है, नफरत करता है, नापसंद करता है, गरचे उसके पर अमल करता है। अब अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है लेकिन नमाज को नापसंद करता है, कोई शख्स अगर कुर्बानी करता है लेकिन उसे नापसंद करता है, शरीयत का ऐसा कोई भी मामला, रोज़ा रखता है लेकिन उसको नापसंद करता है, क्या बिला वजह की जिम्मेदारी तकलीफ हमारे पर डाल दी गई है? उसी के बारे में है कुरान कह रहा है ये भी दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है। दुश्मन कौन होता है? जो आपको, आपके मामलात को, आपके किरदार को नापसंद करता है। तो जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के किसी भी मामले को नापसंद करेगा, दरअसल वो आपका दुश्मन है। कुरान कह रहा है खुद सूरह मोहम्मद आयत नंबर 9 में ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, कि अल्लाह ने उन लोगों को सजा क्यों दी, उन लोगों को काफिर क्यों करार दिया? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात में से कुछ को नापसंद किया। فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, चुनांच अल्लाह ने उनके तमाम आमाल को ज़ाय और बर्बाद कर दिया।
यानी दीन की किसी बात, दीन के किसी हुक्म को अगर हम नापसंद कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं उससे, तो उसके नतीजे में अल्लाह हमारे आमाल को ज़ाया कर देगा। शरीयत के किसी भी हुक्म का ना मजाक उड़ाना है, ना उसे नापसंद करना है, ना नफरत करना है, याद रखिएगा, वरना फिर मामला बहुत सख्त होगा। साफ अल्लाह बयान कर रहा है, फअहबत अमालहुम, अल्लाह उनके आमाल को ज़ाया कर देगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में से बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो दाढ़ी को ना पसंद करें, जैसा कि बाज़ लोग दाढ़ी के पर मुसलमान होते हुए एतराज़ करते रहते हैं, पर्दे के पर एतराज़ मुसलमान औरतों के, या शरी हुदूदों को जिसके बारे में शरीयत ने हुक्म नाजिल किया, अगर कोई किसी को कत्ल कर दे उसके बदले में उसको कत्ल किया जाए, चोरी करे हाथ काट दिया जाए, ये सारी चीज़ें जो शरीयत ने रखी है। और अगर कोई शख्स हो सूद की हुरमत को नापसंद करता है, अल्लाह ने जो भी हुक्म नाजिल किया है, बहुत सारी तफसील जो इन्होंने बयान की है, तो शरीयत का कोई भी हुक्म आप ले लीजिए जो आपको नापसंद, नागवार गुजरता है, नफरत होती है, तो समझ लीजिए कि हमारे आमाल को ज़ाया करने का ज़रिया है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी है, और जो ऐसा करेगा, कुरान ने साफ कह दिया कि वो मिटने वाला है, उसकी नस्ल ख़त्म होने वाली है, उसका जिक्र मिट जाने वाला है, नाम व निशान बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह का जिक्र कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कह दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्ब इलैही मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, तुम्हें का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके बाप, उसकी औलाद और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना बन जाओ। यानि आपकी ज़ात और आपकी बात महबूब होना चाहिए, नफरत के काबिल नहीं होना चाहिए। वही बयान कर रहे हैं, महबूब होना चाहिए सबसे, ये नहीं कि हम उससे नफरत करें या उसे नापसंद करें। आगे इन्होंने कुछ चीज़ों का तज़किरा भी किया है कि सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे। खुद उरवा बिन मसूद सुलह हदीबिया के मौके पर जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो उसी के अंदर वो कहता है कि मा रअयतु अहदन युआज़िमु अहदन ताज़ीम असहाबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने किसी को नहीं देखा कि जैसी ताज़ीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपकी करते कोई और करता होगा, सबसे ज़्यादा आपकी ताज़ीम करते थे। बताने का मकसूद ये है कि आपके हर अमल से, आपकी हर अदा से मोहब्बत होनी चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए। यही है जो शानियक तुम्हारा दुश्मन का नफरत करने वाला, तो ना आपके ज़ात से नफरत होना चाहिए, ना आपके किसी अमल से, ना किसी हदीस से। वो खुद कहता है कि आप अगर खखारने के बाद बलगम निकालते हैं तो सहाबा एक दूसरे से आगे बढ़कर उसे अपने ऊपर ले लेते हैं, ज़मीन पर गिनने नहीं देते, इतना ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मोहब्बत होनी चाहिए। आखिर में इन्होंने एक और हदीस का तज़किरा किया कि इन मिन अशद अन्नास हुब्बली कौम यातून मिन बादी मा रऔनी, कि मेरी मोहब्बत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत शदीद होंगे, लोगों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले कौन लोग होंगे, जो मेरे बाद आएंगे, मा रऔनी, जिन्होंने मुझको देखा नहीं है, वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करेंगे। और है हकीकत में ऐसी बात कि जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा और आपकी अहादीस के पर अमल करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी एक एक अदा की चाहत होती है दिल में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिन देखे बहुत मोहब्बत करते हैं, यानी आपके बताए हुए हर तरीके को फॉलो करते हैं, पैरवी करते हैं, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आखिर में इन्होंने जो चीज़ बयान की है कि इन चीज़ों का फ़ायदा यह है कि बंदा अपने दिल में किसी भी चीज़ से नफरत ना करे जो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हुए हैं, और जो चीज़ें आपने बयान की है उसके मुताबिक चलें। यही चीज़ जब इसके पर हम चलेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह हमारे बाद हमारे जिक्रों को ज़िंदा रखेगा, इसलिए कि कुरान मजीद ने नेक लोगों के तस्करे को बाकी रखा है। अब ये बात तो बिल्कुल वाज़ह है, हम अगर अच्छे काम करते हैं, नेक अमाल करते हैं, हमारे जाने के बाद लोग हमारे खैर का, हमारी भलाइयों का तस्करा करेंगे, और अगर हम बुरे होंगे तो लोग खुश होंगे कि एक बुरा इंसान था जिसकी बुनियाद के पर तकलीफ़ हो रही थी चला गया,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी शदीद मोहब्बत होगी उतना बेहतर अमल होगा, और अमल बेहतर होगा तो हमारा जिक्र हमारे जाने के बाद बाकी रहेगा। लेकिन अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत या आपके किसी अमल से या अहादीस में किसी हदीस से नफरत करते हैं, नापसंद करते हैं, उसका नतीजा ये होगा कि हमारे अमाल बिगड़ेंगे और उसके बाद हमारे जाने के बाद भी हमारा तज़किरा बुरे लोगों में होगा। हम दुनिया में देखते हैं कि कोई अबू जहल की तारीफ़ नहीं करता, कोई उकबा बिन अबी मुआयद की तारीफ़ नहीं बयान करता, कोई वलीद बिन मुगीरा के बारे में अच्छाई नहीं बयान करता, कोई नहीं बयान करता। लेकिन जो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, आपके तरीके पर चलने वाले, हर कोई उनकी तारीफ़ बयान करता है, यानी उनके जाने के बाद भी उनका जिक्र ज़िंदा है, उनको याद किया जाता है और उनके लिए खैर की दुआएँ की जाती है। तो ये सूरह कौसर इंतहाई मुख्तसर जामे तरीन सूरह, जिसके बारे में कुरान मजीद ने बयान किया कि हमने आपको कौसर यानी खैर कसीर अता किया है। और ये बात याद रखिएगा कि हौज़ ये क़यामत के दिन मैदान महशर में जन्नत की जो नहर कौसर होगी उसमें से जो परनाले निकलेंगे उसी परनाले से उस हौज़ को भरा जाएगा और ये अहले ईमान को पिलाया जाएगा। और कौसर दरअसल में अन्नहरुल अज़ीम, वो अजीम नहर है जो कि जन्नत में होगी, उसी का नाम कौसर है। और कौसर समान तर अच्छाइयों और भलाइयों को जो आपको अता की गई है उसके माना में भी इस्तेमाल किया गया। तो अल्लाह ने, गौर कीजिए, अपने आप के पर बहुत नेमतें अता किए, अल्लाह ने हमको बहुत नवाजा है, उसके लिए शुक्र अदा कीजिए। और शुक्राने का तरीका है इबादत, जो माली शक्ल में भी होती है, बदनी शक्ल में भी। बदनी शक्ल में इबादत नमाज है और माली शक्ल में इबादत कुर्बानी है और भी देकर बहुत सारी इबादत है सदका खैरात की शक्ल में। अगर हम ये काम करेंगे यकीनन अल्लाह हमारा जिक्र बाकी रखेगा, और जो इन चीज़ों के खिलाफ खड़े होंगे अल्लाह के दीन या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ, वो मिट जाने वाले हैं, उनका नामो निशान बाकी रहने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हौज़ जो कि ख़ास तौर से क़यामत के दिन मैदान महशर में रखा जाएगा, जिसकी तादाद आसमान के सितारों की तरह होगी, शहद से ज़्यादा मीठा, ओले से ज़्यादा सफ़ीद होगा। परदिगार हम तुझसे दुआ करते हैं कि ऐसे आमाल की तौफीक दे जिनकी बुनियाद के पर हर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से उस हौज का पानी पिए, जिसकी बरकत से हम जन्नत तक जाएं जिससे कभी प्यासे होने वाले नहीं हैं। हमें खैर कैर का कसीर अता फरमा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से मोहब्बत करने, आपकी ज़ात से, आपकी सिफात से, आपके मामलात, आपकी आदिश, हर चीज़ से मोहब्बत, सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो, ऐसी मोहब्बत की हमको तौफीक दे। और अगर शरीयत के किसी भी मामले के अंदर, दिलों के अंदर कुछ कजी टेढ़ापन है, तो परदिगार हमें हमारे दिलों को सीधा कर दे, वहाँ नफरत के बजाय उससे मोहब्बत पैदा कर दे। हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे प्यारे महबूब तरीन बंदे होते हैं, जिनका जिक्र उनके जाने के बाद भी बाकी रहता है, और उन लोगों में हमें शामिल ना करना जो उनका नाम निशान मरने के बाद मिट जाता है। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।